मामला ओबीसी आरक्षण से जुड़ा है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट दोनों जगह कई याचिकाएं लगी हुई हैं। ये मामला बेहद अहम है, क्योंकि इस पर मध्य प्रदेश के लाखों युवाओं का भविष्य टिका हुआ है और फैसले के लिहाज से 25 नवंबर की तारीख बड़ी अहम थी। क्यों थी, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे, बने रहिएगा आखिर तक। दरअसल इस दिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह मामले की सुनवाई होनी थी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। दरअसल सुप्रीम कोर्ट को ओबीसी आरक्षण और 87.13% फॉर्मूले को लेकर 25 नवंबर को अहम सुनवाई करनी थी, लेकिन द सूत्र की पड़ताल में पता चला कि ये केस फिलहाल रजिस्ट्रार के पास पेंडिंग बता रहा है। आगे की संभावनाओं को लेकर हमने मामले के जानकारों से भी बात की है, उनकी बात भी हम आप तक पहुंचाएंगे। तो जानकारों का कहना यह है कि एक बार फिर सर्वोच्च अदालत में मामला फंस गया है और 2025 यानी नए साल से पहले इस पर कोई फैसला आने के आसार फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे हैं। असल में मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर लगी तमाम याचिकाएं हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हो गई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक अहम आदेश आया था, उसके बाद कुछ याचिकाओं की सुनवाई हाई कोर्ट में भी हो रही है। यह पूरा मामला हम आपको इस रिपोर्ट में आगे बताने वाले हैं। सभी मामले 25 नवंबर को सुनवाई के लिए लिस्टेड थे, वो मामले जो सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हुए थे और इस पर लाखों युवाओं की नजरें टिकी हुई थीं, क्योंकि उनके भविष्य से जुड़ा बेहद अहम फैसला आने वाला था। लेकिन अब ये सुनवाई नए साल यानी जनवरी 2025 से पहले होना मुश्किल है। आखिर सुनवाई क्यों नहीं हो पाई, इसे लेकर एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर ने बताया कि संभवतः कोर्ट में कुछ अहम दस्तावेज पेश नहीं हो पाए, लिहाजा मामले की सुनवाई फिलहाल रजिस्ट्रार के पास लिस्टेड है। यानी जो भी दस्तावेज पेश होंगे या होने रह गए हैं, सभी पक्षकार रजिस्ट्रार के पास वो दस्तावेज जमा करा सकते हैं। अभी उनके पास वक्त है, उनको वक्त दिया गया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच के पास मामले को सुनवाई के लिए भेजा जाएगा, यानी लिस्ट किया जाएगा, जिसमें कम से कम 4 हफ्ते यानी करीब करीब 1 महीने का वक्त लगना तय मानिए। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई की। तो हाई कोर्ट में ओबीसी आरक्षण से जुड़ी 83 याचिकाओं पर 25 नवंबर को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की डबल बेंच ने याचिकाकर्ताओं को सभी सवालों के जवाब पेश करने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है और अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है 9 दिसंबर। मामले को और भी गंभीरता से और भी बारीकी से समझने के लिए हमने एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर से भी बातचीत की है, सुनिए वो क्या कहते हैं। ओबीसी आरक्षण से संबंधित 83 याचिकाओं की सुनवाई हुई है, क्योंकि लगभग 92-93 याचिकाएं थी, जो कि 7 या 8 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हो चुकी हैं, शेष याचिकाएं यहां लंबित हैं। तो अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट जो दिया था, याचिका में यदि स्थगन आदेश नहीं है तो हाईकोर्ट ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई कर सकती है। तो इस बात को लेकर के मेंशन करके अवगत कराया गया था और महाधिवक्ता महोदय द्वारा गलत अभिमत देकर के सारी भर्तियां होल्ड करा दी गई हैं, जबकि विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी कानून पर स्थगन नहीं है। केवल महाधिवक्ता के अभिमत के आधार पर ही ये भर्तियों में 87.13 का फार्मूला एडाप्ट है, इसलिए जो याचिकाएं यहाँ लंबित हैं, जिसमें 23 को अंतरिम आदेश पारित किया गया है, फिर भी महाधिवक्ता महोदय द्वारा गलत अभिमत देके समस्त भागों में 87.13 का फार्मूला लागू करा दिया गया है। ये बहुत लंबी आज बहस हुई और माननीय न्यायालय इन सारे तथ्यों से कन्वेंस होते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं शासन को कि 2 सप्ताह के अंदर जो इस अधिवक्ता ने जो मुद्दे उठाए हैं, इसको आप कोर्ट में पेश करें और इसको जस्टिफाई करें और इसकी आगामी सुनवाई 9 दिसंबर को नियत की गई है। तो ये है पूरा मामला, यानी अभी भी 87.13% फॉर्मूले और ओबीसी आरक्षण 27% ओबीसी आरक्षण के यक्ष प्रश्न का उत्तर नहीं निकल पाया है। सुप्रीम कोर्ट में करीब 4 हफ्ते और हाई कोर्ट में करीब 2 हफ्ते का इंतजार और बढ़ गया है। कुल मिलाकर अब ओबीसी आरक्षण पर फैसला नए साल पर ही हो पाएगा, फिलहाल जो आसार नजर आ रहे हैं उससे यही कहा जा सकता है। बहरहाल मामले से जुड़ा पूरा कवरेज, डिटेल्ड कवरेज आप हमारी वेबसाइट www.dasutra.com पर देख और पढ़ सकते हैं, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो भी देख सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया हमें बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल।
सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudra.com।